अंतर श्रेणी का 4.1 का है ये एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, देखो किस प्रकार सवाल सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है और दो नंबर का प्रश्न इस टाइप का आता है। देखना यहाँ पर लिखा है ये एग्जाम्पल 4 है, श्रेणी 4, 7, 10, 13 है, 10वां पद क्या है? यहाँ अंदर देखो अल्पविराम लगा है तो भी श्रेणी है, समझ लेना प्लस माइनस रहेगा तो वही चिंता नहीं। देखो 10वां पद क्या है, एक चीज ध्यान देना, अगर वा लिखा है, ध्यान सुनना क्या बोला मैंने, अगर वा लिखा है वा, ध्यान से देखो दसवा, तो वा लिखा है तो वो हमेशा एन का मान होता है। किसका मान होता है? एन का मान होता है, मतलब इसमें टोटल 10 पद है तो 10वां पद को हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब पहले नंबर पर 4 है, दूसरे नंबर पर 7 है, तीसरे नंबर पर 10 है, चौथे नंबर पर 13 है, तो 10वें नंबर पर क्या आएगा? ठीक है, 10 किस नंबर पर आता है, 10वें नंबर पर कौन सा संख्या आएगा? तो याद रखना जिसमें वा लिखा है वो किसका मान होगा? एन का मान होगा। तो पहले ही बताया था यहाँ पर होता है ऐसे लिखना, सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, समांतर श्रेणी का एनवा पद, याद रखना पहले तो फॉर्मूला लगाना, एनवा पद इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्ठक में माइनस 1 × d, इसको याद रखना, ये इसका फॉर्मूला है। तो याद रखना पूरे समांतर श्रेणी में आपको चार चीज मिलेगा, ए एन ए एन और डी, चार चीज मिलेगा, एक तो ए एन ए एन डी, अगर तीन है तो चौथा निकलेगा ही निकलेगा, अगर ए का मान दिया है, एन का मान दिया है और डी का मान दिया है तो ए एन का मान निकलेगा, अगर इनमें से कोई भी जैसे डी नहीं दिया है तो इन तीनों को दिया रहेगा। याद रखना चार जो है तो कोई भी तीन रहेगा तो चौथा आसानी से निकल जाएगा, इसको याद रखना। अब देखो इसको निकालेंगे ए, ए मतलब प्रथम पद, देखो एकदम आसान है ये फॉर्मूला याद करना, ए तो पहले ही बताया था ए मतलब क्या होता है, ये देखो प्रथम पद, उसी को लिखना प्रथम, इस प्रकार लिखोगे प्रथम पद, इसको ए से दर्शाते हैं, ए बराबर क्या दिया है 4, पहले ही बताया था ये ए वन है, ये ए टू है, ऐसे ए वन को नहीं लिखना, ए लिखे हो गया। अब क्या निकालते हैं, हमको क्या चाहिए, डी, तो डी को बताया क्या बताया था, सार्वंतर, ऐसे लिखना सार्वंतर, डी बराबर क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद क्या हो गया 7 और ए वन क्या हो गया 4, तो 7 में 4 गया 3, तो डी बराबर कितना आ गया 3, क्लियर हो इतना। उसके बाद देखो एन, एन बराबर क्या दिया, एन बराबर 10, एन मतलब होता है पदों की संख्या, किस प्रकार लिख सकते हो पदों की संख्या, तो ये एन बराबर हो जाएगा कितना 10, क्लियर हो गया इतना। तो जो मान दिया उसको रखना, तब ए एन, एन मतलब क्या माने थे 10, यहाँ छोटा सा 10 लिख देना ए, ध्यान रखो देखो ए की जगह क्या लिखना है 4, ठीक देखो ए की जगह क्या लिखना 4, जस्ट उसके नीचे लिखना, यहाँ प्लस है तो प्लस कोष्ठक, एन एन की जगह क्या लिखना है 10, एन के नीचे क्या लिख दिए 10, ये माइनस 1 पहले से है, फिर डी लिखा है तो डी का मान क्या आया 3, याद रखना डी के मान को कोष्ठक में ही लिखना, लिखो ठीक है, याद रखना कोष्ठक में ही लिखना है, तब ये हो जाएगा बराबर, ये 4 हो गया, 10 में से गया 9, इसको भी कोष्ठक में लिखना और ये 3 पहले से है, ये हो गया 4, देखो पहले गुणा करना है फिर इधर कवर करना, तो देखो 9 किया कितना हो जाएगा 27, कोष्ठक मतलब गुणा होता है ना, तो 9 किया 27, अब इसको जोड़ दो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, तो 10वें नंबर पर 31 आएगा, ये इसका आंसर है, इसको याद रखना 10वें नंबर पर क्या आएगा 31 आएगा, तो देख सकते हो अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 31 होगा, ये क्या हो गया इसका आंसर है। ध्यान देना पहले पर 4, दूसरे पर 7, तीसरे पर 10, चौथे पर 13, तो 10वें नंबर पर 31 आएगा, क्लियर है, बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो ये आप लोग के लिए ग्रीक कार्य है, सेम उसी प्रकार बनेगा, ये 3, 5, 7, 15वां पद ज्ञात करना है, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है, इसमें 40वां पद ज्ञात करना है, इसको ध्यान पूर्वक इसी प्रकार आपको बढ़ाना है, और बढ़ाने के बाद उसको क्या है सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना ना भूले। धन्यवाद।